अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग RMI 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। पंजाब भर के असाज़ा के लिए खुशखबरी, पंजाब भर से असाज़ा को जापान भेजने का फैसला। पंजाब भर से 40 साल से कम उम्र असाज़ा के लिए खुशखबरी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यंग लीडर प्रोग्राम के असाज़ा को तरबियती कोर्स के लिए जापान भिजवाने का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक तरबियती कोर्स का दुरानिया एक साल रखा गया है। असाज़ा को पंजाब हुकूमत के तावन से तरबियती कोर्स के लिए भिजवाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अंग्रेजी जबान पर अबूर रखने वाले असाज़ा से दरख्वास्तें तलब कर ली। मुंतखब होने वाले असाज़ा को हुकूमत जापान यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप भी मुहैया करेगी। तरबियत का दौरानिया 2021 ता 2022 अप्रैल तक होगा। मौसूल होने वाली दरखास्तों का जायजा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जेली अदारा स्पेशल सूबाई बोर्ड करेगा। ख्वाहिशमंद टीचर्स EAD.गवर्नमेंट की वेबसाइट से फॉर्म और मालूमात डाउनलोड करके अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी जानब लाहौर समेत सुबह भर के सरकारी कॉलेजों में इवनिंग में डिग्री प्रोग्राम के लिए पॉलिसी दस्तावेज तैयार की गई हैं। पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक ग्रेजुएशन की सतह पर इवनिंग डिग्रियों की फीसों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। BS ऑनर्स और एसोसिएट डिग्री इवनिंग प्रोग्राम के लिए एक सेमेस्टर की फीस 15,000 रुपये मुकर्रर होगी। इवनिंग प्रोग्राम में पढ़ाने वाले असाज़ा को फी क्लास 500 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी वजारत तलीम का बड़ा फैसला, तलीमी अदारों में पाकिस्तान का गलत सियासी नक्शा शाया करने पर 5 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। तालीमी अदारों में सर्वे एंड मैपिंग बिल 2020 नाफज कर दिया गया। असाज़ा की नई ड्यूटी लग गई। PMIU ने सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तलबा को दिसंबर का होमवर्क जारी करने की हदायत कर दी। दूसरी जानब स्कूल शुमारी का काम 499 स्कूल्स हेड की नाअहली के बायस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। तफसीलात के मुताबिक प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने अथॉरिटीज को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तलबा को दिसंबर का होमवर्क जारी करने की हदायत कर दी। तलबा को तैयारी असबाक की मनसूबा बंदी के तहत करवाई जाएगी। असबाक की मनसूबा बंदी के हवाले से लेक्चर्स ऑनलाइन और बजरिया CD फ्राहम किए जाएंगे। तमाम असाज़ा बच्चों का होमवर्क स्कूल हेड्स को दिखाने के पाबंद होंगे। दूसरी तरफ स्कूल शुमारी का काम 499 स्कूल हेड्स की नाअहली के बायस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मजकूरा स्कूल हेड्स को 14 दिसंबर तक शुमारी का डाटा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। सुबह भर के 499 स्कूलों ने महकमा तालीम के अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया। स्कूल हेड्स की नाअहली के बायस ताहाल स्कूल शुमारी का डाटा मुकम्मल नहीं हो सका। स्कूल हेड्स का कहना है कि छुट्टियों के बायस स्कूलों में डाटा अपलोड करने के लिए असाज़ा दस्तयाब नहीं। याद रहे कि स्कूल शुमारी को 31 अक्टूबर को मुकम्मल किया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डाटा अपलोड करने की एक और डेडलाइन दे दी है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मजकूरा स्कूल 14 दिसंबर तक डाटा अपलोड करेंगे। मकर्रा तारीख तक डाटा अपलोड ना होने पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।